महात्मा गांधी के साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक शांत चित्त व्यक्तित्व भी थे। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हुआ था। वह अपने घर में सबसे छोटे थे तो उन्हें प्यार से नन्हे बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। मुश्किल परिस्थितियों में हासिल की शिक्षा। बचपन में ही पिता की मौत होने के कारण नन्हे अपनी माँ के साथ नाना के यहाँ मिर्जापुर चले गए। यहीं पर ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वह नदी तैर कर रोज स्कूल जाया करते थे, क्योंकि जब बहुत कम गांवों में ही स्कूल होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके बाद वो अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे। ललिता शास्त्री से हुआ था विवाह। शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। एक बेटे का नाम अनिल शास्त्री है, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। देश के अन्य नेताओं के भांति शास्त्री जी में भी देश को आजाद कराने की ललक थी, लिहाजा वह 1920 में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने 1921 के गांधी से असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस या कार्यवाही का शिकार बने। दिया जय जवान जय किसान का नारा। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों का महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री की मौत ताशकंद समझौता के दौरान रहस्यमय तरीके से हो गई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।